गुजरात के साबरकांठा जिले के विजयनगर तहसील के पूर्व सैनिकों ने तहसीलदार को आवेदन पत्र सौंपा है। जो सैनिक देश की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं, सीमा पर दिन रात अपनी फर्ज अदा करके वह निवृत्त होने के बाद अपना जीवन अच्छी तरीके से गुजार सके, इसलिए सरकार की लागत से 16 एकड़ भूमि दी जाए, ऐसी सरकार द्वारा जोगवाई है। विजयनगर तहसील के भूतपूर्व सैनिकों की खेत और उनकी पत्नियों के निवास के लिए भूमि के आवंटन के लिए याचिकाएं की गई। उन्होंने विजयनगर तहसीलदार पीजी चौहान को आवेदन पत्र सौंपा और मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी बताया कि हमें पहले भी 1 से 284 तक फाइलें दे दी है और आज 285 से 514 की फाइल देने के लिए आए हैं। अब तक जो फाइलें दी गई है उन फाइलों के बारे में कार्यालय में से कोई जानकारी नहीं मिली है, इसलिए खेत ब्रह्मा SDM साहब को और साबरकांठा के जिला समाहर्ता को भी आवेदन पत्र सौंपेंगे। पूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु और साथ ही दिवंगत पूर्व सैनिकों की धर्म पत्नियों के भी हित को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई करे, ऐसी मांग है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। जो सच वही खबर के साथ मैं हूं अर्षद कुमार, आप देख रहे हो HBN न्यूज चैनल। आज हमारी टीम विजयनगर तहसील में आ पहुंची है। यहाँ जो पूर्व सैनिक है वो आवेदन पत्र सौंपने के लिए यहाँ आ गए हैं। हम आगे दिखाने की कोशिश करेंगे किस प्रकार का उनके आवेदन पत्र सौंपने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहें। यहाँ आपको दिखा दिया होगा, यहाँ जो है जो एक्स आर्मी मैन है, माँ बॉम्ब की रक्षा करते हुए ये जो अभी निवृत्त होकर अपने घर वापस लौटे हैं, तो कुछ उसकी मांगे हैं। यहाँ जो तहसीलदार है यहाँ आवेदन पत्र सौंपने के लिए यहाँ मौजूद हुए हैं, सर उसके साथ हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर जी पहले आपका नाम, शुभ नाम क्या है? मेरा नाम खतर दीपा जी है। हाँ जी, और मैं आर्मी में 25 साल सर्विस किया है और इसके बाद में मैं 25 साल हो गया रिटायर हुए भी। और हमारी जो मांग है एक्स मैन को 16 एकड़ जमीन मिलती है, उसके लिए हम लोग ने आवेदन पत्र आज दिया है। पहले हमने 1 से लेकर 284 तक हमने फाइल दिया था, लेकिन अभी तक कोई रिएक्शन नहीं हुआ है, हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। फिर भी अभी आज हम फिर 514 तक हमने आज फिर से हमने फाइल दिया है। तो हमारी ये मांग है कि जल्दी से जल्दी सरकार श्री ये फाइल का उकेल लाए और हम लोग को ये 16 एकड़ जो जमीन मिलती है उसके लिए गवर्नमेंट कुछ सोचे हमारे लिए। आपने सिर्फ यही तहसीलदार में आवेदन पत्र सौंपा या कहीं और जगह भेजा है आपका? अभी हम लोग यहाँ भी सौंपा है और बाद में खेड़ ब्रह्मा अलावा हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में भी जाने का है। आगे भी दे चुके हैं? दे चुके हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला? नहीं, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। दूसरा राउंड शुरू है? ये दूसरा राउंड है जी। और आप प्रांत अधिकारी में देने जाने हैं? SDM ऑफिस में अभी जा रहे हैं थोड़ी देर में। हाँ ठीक है, हमने बात की, उन्हें पहली बार भी दिया था ऐसा आवेदन पत्र के, लेकिन अब तक कुछ उनकी आवाज़ नहीं आई, कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ दब चुकी है। क्या है पूरा मामला, हम आगे आप दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दूसरे भी है, यहाँ उसको भी पूछताछ करेंगे। सर जी आपका शुभ नाम? बच्चों भाई यार बरंडा मारो नाम थे। हाँ जी, मैं वॉर डिसेबल हूँ, 1971 युद्ध में 9000 लश्कर पकड़ी पाकिस्तान ने भारत में घुसाड़ी थी, एम हूँ एक गुजराती हतो, छता मैंने हजी सुधी जमीन सरकारे आपी नहीं। पहला राउंड में अमे 285 જે ફાઇલો આપી હતી, બીજા રાઉન્ડમાં અમે 514 ફરી બીજી આપી રહ્યા છે, પણ આ સરકારે અમારા માટે કશું કર્યું નથી, એટલે અમે હવે વિચારવા પડ્યા છે કે એનો રસ્તો શું કરવો, અને જે કરવાના છે રસ્તો કરવા જઈ રહ્યા છે ખરા, પણ એ સસ્પેન્સ છે, ક્યારે અમે શું કરવાના એ નક્કી નથી હમણાં। આપની ગુજરાત કે બારે મેં ઓર દૂસરી જગ્યા એસી કોઈ જમીન આપકો દીધી હોગી દૂસરે સ્ટેટ મેં એસા કોઈ હૈ? ना ऐसा कोई नहीं है, लेकिन उस टाइम 1971 के युद्ध के टाइम में बाड़मेर और राजस्थान बॉर्डर के ऊपर जिसने युद्ध लड़ा हो तो राजस्थान गवर्नमेंट राजस्थान में जमीन देता था, लेकिन ये अपनी गुजरात सरकार थी ना, उसने बोला 16 एकड़ 2 गुंठा हम यहाँ का सैनिक जो बहादुरी किया उनको हम देंगे, उसी वक्त वादा किया था। हाँ वादा किया, और वादा अभी भी परिपत्र है हमारे पास मौजूद है। वो परिपत्र आपके पास मौजूद है? हाँ मौजूद है, मेरे पास पूरा पूरा मौजूद है, डिक्शनरी के साथ पूरा पूरा है। तो हमें यहाँ से बरंडा सीजे बातचीत करने की